हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक बाय सुष्मिता पटेल। आज हम लोग रिव्यू वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके जितने भी क्वेश्चंस मतलब जितने भी इस रिव्यू वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में दिए गए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर देखकर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मतलब आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस टू गेट दिस, मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड किया गया। द नंबर स्टेटमेंट देखो कैसे लिखेंगे। पहली बात तो कोई किसी अच्छा एक लाइन छोड़ के पहले लिखते हैं, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3, 5 by 6 टू गेट 3 by 4। ठीक है, मतलब द नंबर कौन सा ऐसा नंबर जो इसे डिवाइड करेगा ताकि हमें क्या मिल जाएगा, 3 by 4। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। अब बोलोगे मैम पहले आपने ये लाइन लिख लिया फिर ये। देखो समझाने के लिए बस हम पहले क्या किए ना, जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन लिखा है ना उसी क्वेश्चन को आपको हम यहां पे लिख दिए। द व्हाट नंबर, तो द नंबर should be divided by 3, 5 by 6 to get 3 by 4। ठीक है ना, तो वो कौन सा नंबर है, तो let the sorry यहां पे number be sorry let the required number be x। उस required number को हम क्या मान लेंगे, x। तो the number should be divided, तो जो ये जो द नंबर है उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो x लिख देंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे हम लोग अब। ठीक है, let the required number क्या था, x। तो नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो उस नंबर को क्या माना हमने, x डिवाइडेड। ठीक है, तो डिवाइडेड का साइन दे देंगे, कितना से डिवाइड, इतना से, ये मिक्स्ड में इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो 6 × 3 = 18, 18 + 5 = 23, 23 by 6 टू गेट, तो हम यहां पे इक्वल टू का साइन देंगे, कितना हमें मिलेगा, 3 by 4 मिलेगा। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शन का डिवीजन करते हैं तो जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, एक्स का एक्स। ठीक है, और ये जो होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, इनटू में, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 6 by 23 = 3 by 4। ठीक है, अब देखो एक्स अपनी जगह पे रहेगा और ये क्या कर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहां और ये यहां आ जाएगा। ठीक है, तो चलो कर देते हैं अब हम लोग, एक्स जैसे वही रहेगा 3 by 4, और ये जो है 23 ऊपर जाएगा और 6 कहां जाएगा, नीचे। ठीक है, ये 6 यहां डेनोमिनेटर के पास आ गया, 23 न्यूमरेटर के पास गया। 3 के टेबल से 6 दो बार में जाएगा क्या, हां। अब नाउ 23 × 1 = 23 by 4 × 2 = 8। आंसर क्या आ गया, 23 by 8। अब ये 23x = 23 by 8। अब बताओ तुम इस 23 by 8 को, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको तुम मिक्स्ड में चेंज करके लिख सकते हो, तो लिख देना और आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। ठीक है, बाय बाय।